तो ये बन गया y माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन टाइम्स x माइनस फोर। अब इक्वेशन सिंप्लीफाई करके क्या बन गई, x प्लस वाई ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या गिवन है, 4x माइनस y इक्वल टू जीरो या y इक्वल टू 4x। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, ये इक्वेशन आ गई मेरे पास x प्लस वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। यहाँ वो क्या कह रहा है, y किसके इक्वल है, 4x के, तो इसमें पुट कर देंगे दोनों को सॉल्व करने के लिए, सब्सटीट्यूशन मेथड हो गया ये आपका। तो x प्लस 4x माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, x कितना आ गया सिंप्लीफाई करके 1, x 1 आ गया तो y कितना आ गया 4। पॉइंट्स क्या आ गए, 1 4 एंड 4 1, इनका डिस्टेंस निकाल लोगे यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, कर लोगे कंप्लीट, समझ आ गया। चलिए अब नेक्स्ट पे आइए। Assuming that the straight line work as a plane mirror for a point, find the image of the point 1, 2 in the line x minus 3y plus 4 equal to 0. ये कर दूँ इरेज। Next जो है example, इस तरह के questions important है। क्या कह रहे हैं ये, Assuming that the straight line work as a plane mirror for a point. ये स्ट्रेट लाइन गिवन है x माइनस थ्री वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो। वो कह रहे हैं कि ये अज्यूम करो कि ये स्ट्रेट लाइन जो है एक मिरर की तरह एक्ट कर रही है फॉर द पॉइंट 1, 2। सो फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1, 2। अब अगर ये मिरर की तरह एक्ट कर रही है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि मिरर में जो आपका ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्शन का डिस्टेंस होता है फ्रॉम दिस मिरर दैट इज इक्वल, यानी कि जो डिस्टेंस ये होगा द सेम विल बी द डिस्टेंस ऑफ द इमेज। डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, पॉइंट की नहीं बात करें। ये तो मैंने ऐसे लाइन बनाई है ना, मान लो कि आपकी लाइन अगर ऐसे बन रही हो इसमें, तो फिर अगर 1, 2 पॉइंट यहाँ है तो इधर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बन गई, तो आप उसको साइन चेंज नहीं कर सकते। ये मैंने रफ फिगर बनाई है, तो अकॉर्डिंग टू दिस वी आर गोइंग। ये पॉइंट मुझे नहीं पता, मैंने ए बी मान लिए, आप बताओ क्या करें। ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है हमने, स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट वे में थी। ये पॉइंट हम मान ले एक्स कॉमा के, अब ये लाइन गिवन है, ये परपेंडिकुलर है इसके, इसका पॉइंट गिवन है, क्या करेंगे? ठीक बोल रहे थे अभी आप, स्लोप क्या करें, हाँ एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो की आप स्लोप निकाल लोगे, क्या आएगी, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ वाई, या फिर वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिख लो। तो स्लोप आ गई इसकी 1/3, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस माइनस 3 आ जाएगी। अब इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू 1, 2 क्या आएगी, स्लोप माइनस 3 है, पॉइंट 1, 2 है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाओ क्या आएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन, क्या आ जाएगी ये इक्वेशन, थ्री एक्स प्लस वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसकी इक्वेशन आ गई 3x + y - 5 इक्वल टू जीरो। अब ये पॉइंट कैसे निकलेगा, ये पॉइंट इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी निकाल लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एच कॉमा के, यहाँ एच कॉमा के नहीं भी मेंशन करोगे तो भी चलेगा, फाइंड दिस वैल्यू, फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 3x + y - 5 इक्वल टू जीरो एंड एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो।
दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, यू विल गेट दिस पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. सॉल्विंग वन एंड टू, be quick. Here, एक लाइन हमें ये गिवन है 5x minus y plus 4 equal to 0. सेकेंड लाइन हमें ये गिवन है 3x plus 4y minus 4 equal to 0. एक लाइन जो है that is in between these two lines such in such a way कि इसका जो ये पार्ट है, इसका जो ये सेगमेंट है between these two lines, that is bisected at 1,5. Yani ki agar ye point A hai, ye point B hai, to ye point M jo hai wo AB ka midpoint hai. Yahan tak statement samajh aa gayi? Aage kya keh raha hai wo? Ki obtain its equation. Humne kya karna hai? Iski equation ko nikalna. अब हमें नहीं पता कि इनके पॉइंट्स क्या हैं, कहाँ ये मीट कर रही हैं, कहाँ नहीं कर रही, तो इनको हम मान लेंगे. लेट दिस बी अल्फा वन बीटा वन एंड दिस बी अल्फा टू बीटा टू. क्लियर? अब 1,5 जो है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ अल्फा वन बीटा वन एंड अल्फा टू बीटा टू. यानी कि अल्फा वन प्लस अल्फा टू बाई टू इज 1, बीटा वन प्लस बीटा टू बाई टू इज 5. एक तो ये चीज मुझे यहाँ से पता लगी. तो आप ये लिखोगे कि दिस इज द पॉइंट मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हमने अज्यूम कर लिए अल्फा वन बीटा वन एंड अल्फा टू बीटा टू. लेट अल्फा वन कॉमा बीटा वन एंड अल्फा टू कॉमा बीटा टू बी द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स. इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो और इसको 3 मान लो. अब अल्फा 1 बीटा 1 किस किस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है? 2 और 3 का. अल्फा 2 बीटा 2 किस किस का है? 1 एंड 3 का. सो अल्फा 1 बीटा 1 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स 2 एंड 3 एंड 1 एंड 3 रिस्पेक्टिव. अल्फा 1 बीटा 1 2 3 का है और अल्फा 2 बीटा 2 1 3 का. सो एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो एम के कोऑर्डिनेट्स अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1. तो यहां से अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 आ गया 2 और बीटा वन प्लस बीटा टू बाई टू इज इक्वल टू 5. तो बीटा वन प्लस बीटा टू आ गया यहां से 10. फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन. क्लियर? यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो. आगे आगे चले. अब यहां ध्यान से देखो, अल्फा टू बीटा टू जो पॉइंट है वो इस लाइन पे लाए कर रहे, इसको सेटिस्फाई करेगा. सेम वे में अल्फा वन बीटा वन इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो क्या आ जाएगा यहां से, क्या इक्वेशंस बनेंगी? अल्फा वन बीटा वन लाइज ऑन 1, देयरफॉर
थ्री अल्फा वन प्लस फोर बीटा वन माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्लियर है ये थर्ड इक्वेशन कैसे बनी? हाँ, फाइव अल्फा वन माइनस बीटा वन प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वो लाए कर रहा है टू पे नॉट वन। और इसी वे में अल्फा टू बीटा टू किस पे लाए कर रहे हैं? वन पे। सो थ्री अल्फा टू प्लस फोर बीटा टू माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। अब ये अल्फा वन अल्फा टू बीटा वन बीटा टू चार वेरिएबल्स हैं, चार इक्वेशंस बन रही हैं। सिंप्लीफाई कर लो, आपके पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। निकालना क्या है हमने? व्हाट वी आर टू फाइंड आउट, ऑब्टेन इट्स इक्वेशन, इसकी इक्वेशन निकाल लो। तो चाहे तो आप किसी एक की वैल्यू निकाल लो, अल्फा वन बीटा वन की, अल्फा टू बीटा टू की। एक पॉइंट ये मुझे 1.5 गिवन है, टू पॉइंट्स आ जाएंगे, तो टू पॉइंट फॉर्म से यू विल फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। कर लोगे कंप्लीट इसको? सो दिस यू आर टू कंप्लीट योरसेल्फ। अब क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 25 पे आएंगे। ये नोट डाउन हो गया, कर दो इरेज। अब क्वेश्चन 25 में वी आर गिवन, शो दैट द पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट such that its distances from the line 3x minus 2y equal to 5 and 3x plus 2y is equal to 5 are equal is a straight line. Distances of a point from two lines are equal. Path of a moving point, एक point moving है, हमें ये show करना है कि वो इस तरीके से move कर रहा है कि इसका given two lines से जो distance है that is always equal. तो जिस पाथ पे वो पॉइंट मूव करेगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। कैसे करेंगे? पॉइंट एज्यूम कर लेंगे ए कॉमा बी, कुछ भी एज्यूम कर लो, अल्फा बीटा। अब उस पॉइंट का इन दोनों लाइंस से डिस्टेंस इक्वेट कर दोगे तो यू विल गेट एन इक्वेशन। और वो आपकी अगर लीनियर इक्वेशन आ रही है मींस जो पॉइंट है दैट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, लोकस ऑफ द पॉइंट इज अ स्ट्रेट लाइन। कर लोगे ये भी? Now moving on to the exercise, first question, ये आप बताओगे इस तरह के किए हुए हैं हमने। Find the value of k for which the line k minus 3 into x minus 4 minus k square into y plus k square minus 7k plus 6 is equal to 0 is parallel to x-axis. X-axis के जब कोई line parallel होती है तो क्या लेके चलते हैं? If a line is parallel to x-axis, तो क्या लेके चलते हैं? Y? Zero. क्यों? Parallel to x-axis है. हाँ? K मुझे क्या गिवन है? देखो इक्वेशन K minus 3 into x plus minus 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7 के प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये गिवन है, k की वैल्यू निकालनी है फॉर विच दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल जो इक्वेशन होती है किस फॉर्म में होती है? y इज इक्वल टू b, यानी कि उसका x वाली टर्म क्या होती है? 0 होती है। तो इसमें क्या करोगे? x वाली टर्म को जीरो पुट करोगे, यानी कि x वाली टर्म आपकी जीरो कब बनेगी? व्हेन k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये चीज जब आपकी जीरो होगी, ये हटा देंगे, तब ये आपका y इक्वल टू a वाली फॉर्म बनेगी। अब जब ये y इक्वल टू a वाली फॉर्म बन रही है मींस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। सो इट मींस लाइन पैरेलल टू x एक्सिस के लिए वी हैव टू इक्वेट दिस टर्म इक्वल टू 0। तो k माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि k इज इक्वल टू 3। सेकंड पार्ट, पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म एक्स इज इक्वल टू ए, यानी कि वाई वाली टर्म मिसिंग। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस के केस में क्या करोगे? माइनस फोर माइनस के स्क्वायर को इक्वल टू जीरो पुट कर दोगे, यहां से आप सिंप्लीफाई करके के की वैल्यू निकाल लोगे। नेक्स्ट, पासिंग थ्रू द ओरिजिन,
हाँ एक्स और वाई दोनों को जीरो पुट कर दोगे तो रह क्या जाएगा के स्क्वायर माइनस सेवन के प्लस सिक्स, इसको सिंप्लीफाई करके यू विल गेट योर आंसर, कर लोगे कंप्लीट है। चलो अब क्वेश्चन नंबर टू पे आइए। मधु समझ आ रहा है बच्चे, सुन नहीं रहे ना, ध्यान नहीं है पूरा यहाँ पे। अब अगला बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड पी इफ द इक्वेशन एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन रूट थ्री एक्स प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। रूट थ्री एक्स प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो, ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है। नॉर्मल फॉर्म में पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट शुड वी हैव, ब्रिंग दिस कांस्टेंट टू द राइट हैंड साइड, क्या आ जाएगा रूट थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस टू। ये चीज हमें क्या बनानी होती है राइट हैंड साइड पे, बिकॉज दिस इज एक्सप्रेसिंग द डिस्टेंस, सो दिस शुड बी पॉजिटिव, तो नेगेटिव साइन से हमने डिवाइड कर दिया माइनस वन से। उसके बाद क्या करते थे, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट, तो ए रूट थ्री बी इज वन, इनके स्क्वायर का सम विल बी टू, तो यहाँ भी टू और यहाँ भी टू और इधर भी टू, टू बाई टू करके क्या आ गया ये वन, गॉट इट। अब कॉस थीटा की वैल्यू माइनस रूट थ्री बाई टू, साइन थीटा की वैल्यू माइनस वन बाई टू, एक्स एंड वाई बोथ आर नेगेटिव, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लेके चलते हो, पाई प्लस अल्फा, अल्फा क्या आएगा कॉस में रूट थ्री बाई टू, साइन में वन बाई टू, कहाँ पे होता है 30 डिग्री, यानी कि पाई बाय सिक्स। थीटा क्या आ गया 7 पाई बाय सिक्स, और पी की वैल्यू क्या आई, ठीक है क्लियर। इसको क्या लिख सकते हो, एक्स कॉस 7 पाई बाय सिक्स प्लस वाई साइन 7 पाई बाय सिक्स इक्वल टू वन, नॉर्मल फॉर्म बन गई। नॉर्मल फॉर्म में जो राइट हैंड साइड होती है दैट रिप्रेजेंट्स पी, तो पी की वैल्यू आ जाएगी आपकी वन। बच्चे इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर डाउट, अदरवाइज एज द टाइम इज ओवर।